मुंबई में दिवाली से पहले गरीब बच्चों की मनाई गई दिवाली। स्कूली बच्चों को मुफ्त में दिया गया शिक्षा का सामान, नोटबुक और स्कूल बैग, पेंसिल लेकर खुश हुए बच्चे, जताई खुशी, कहा मिल गया हमारी दिवाली का गिफ्ट। आपको बता दें कि निस्वार्थ सेवा भाव से सेवा करने वाली एकमात्र मुंबई की संस्था दक्ष नागरिक फाउंडेशन लगातार बच्चियों की शिक्षा के लिए काम कर रही है। संस्था के अध्यक्ष एडवोकेट सुनील कुमार ने 50,000 बच्चों को नोटबुक और बैग देने का संकल्प लिया, जिसके तहत रविवार शाम लगभग 7,000 से अधिक गरीब परिवार के बच्चों को मुफ्त नोटबुक और बैग और पेंसिल बॉक्स देकर उनको सम्मानित किया। इस सेवाभावी कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि व स्थानीय भाजपा विधायक राजहंस सिंह ने संस्था के सेवा को खूब सराहा। राजहंस सिंह ने बच्चों को बुक, बैग, पेंसिल बॉक्स देकर उन्हें सम्मानित किया। एडवोकेट सुनील कुमार ने बताया कि दक्ष नागरिक कॉलेज बनाना मेरा लक्ष्य है, जब तक नहीं बन जाता तब तक हमारे परिवार में किसी का जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा। जिन लोगों को नोटबुक और बैग नहीं मिल पाया, उन लोगों को दक्ष फाउंडेशन की टीम घर घर जाकर जरूर वितरण करेगी। इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य बड़े बड़े नेता मंत्री नहीं करते हैं, लेकिन एडवोकेट सुनील कुमार ने इतना बड़ा संकल्प और कार्य कर रहे हैं, जिसको देखकर स्थानीय नेता बेहद आश्चर्य में हैं। बच्चों और उनके परिवार की भीड़ देखने से ऐसा लगता है जैसे मानो राज्य के मुख्यमंत्री की सभा है। सिर्फ भीड़ को देखने के लिए कई नेताओं ने शिरकत की। ये शानदार कार्यक्रम मलाड पूर्व के अप्पापाड़ा के बुआ सालवी मैदान में आयोजित किया गया। ये जो मैंने प्रोग्राम रखा है, ये मैंने खुद से इंस्पायर होकर रखा है, देश के प्रधानमंत्री जी से इंस्पायर होकर रखा है। कुछ इंस्पायरिंग लोगों, देखिए अगर गलती आप खुद करके खुद सीखना चाहते हैं तो कर लीजिए, अगर आप दूसरे की गलती से सीख लेना चाहते हैं तो सीख लीजिए। तो ये मैंने खुद देखा है कि कलम में कितनी ताकत है, मैंने अपने आप पे भी देखा है। आप भारतीय संविधान में हैं, डेमोक्रेसी में हैं, आप डेमोक्रेसी देखिए, आप सबसे सर्वोच्च पदों पर देखिए, इस कलम ने ही वहाँ पहुँचाया है। ना उनका कोई बैकग्राउंड था और ना उनके पीछे कोई ताकत थी, ये कलम की ताकत थी, माँ सरस्वती थी, उसी के दम पे आज हम सब आगे बढ़ रहे हैं। और मैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का मेरा जो सबसे बड़ा मोटिव ये है कि मैं खुद इसका सबसे बड़ा दर्द ये है कि जिस वर्ग से मैं आया हूँ वहाँ पर एक प्रॉब्लम ऐसा होता है कि लोग बच्चियों को न पढ़ा के बेटों को पढ़ाते हैं और बच्चियों से काम कराते हैं, और जब वो बच्चियों से काम कराते हैं तो बच्चियों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, डिवोर्स होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, मोलेस्टेशन होता है, प्रोस्टिट्यूशन होता है। ये एक ऐसी शक्ति है, आपको मैं बताऊँ, बायोलॉजिकली भी ये प्रूव्ड है, साइंटिफिकली भी ये प्रूव्ड है कि लड़कियाँ लड़कों से हर मायने में जल्दी ग्रो करती हैं, ये इमोशनल होती हैं, ये एक शक्ति होती हैं। एक बार आपका बेटा रूठ जाएगा तो शायद 2 साल बात नहीं करेगा, लेकिन अगर आपकी बेटी है तो दूसरे दिन भी आपके घर आ जाएगी। तो उस शक्ति को, जिस शक्ति को लोग बेटे के सक्सेस के पीछे जलाना चाहते हैं और उसे बुझाना चाहते हैं, हम उसी को जलाना चाहते हैं और हम उसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम नोटबुक की कमी को और बैग की कमी को मैं जानता हूँ और इसके यूज़ को मैं जानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम सुपर नेचुरलिटी में बिलीव करें, हम कुछ ऐसा करने की कोशिश करें। मैं चाहता हूं कि और भी लोग इंस्पायर हों, कहीं और 2000 लोगों को बांटें, कहीं 2000 बच्चियों को बांटें। ये बच्चियां जिस दिन खड़ी हो गई ना, तो जो आपका यूथ है ना, वो कंप्लीट हो जाएगा। वकील साहब, जैसा कि आप जानते हैं, जो दक्ष नागरिक फाउंडेशन है, बहुत बड़ी संस्था है, आपने कितने वर्षों से काम कर रहे हैं, मगर इतनी बड़ी फाउंडेशन, क्या इससे चुनाव लड़ना चाहते हैं या भाजपा में जाकर के प्रवेश किए उससे चुनाव लड़ना, क्या देखिए क्या है आज का, हम पहले पेजर यूज़ करते थे, अब मोबाइल यूज़ करते हैं। तो क्या होता है ना कि अब जैसे जैसे ज़माना बदलते जाता है, सब ऐसे ऐसे बदलता जाता है। आप इतने बड़े पत्रकार हैं, भगवत गीता को और श्री कृष्ण को जानते ही हो। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में सीधे सीधे कहा है कि हम कुछ करते ही नहीं हैं, कराने वाले तो वो हैं, मैं करते जा रहा हूँ और जो बोलेंगे वो करते जाऊँगा। ये संसार का नियम है कि हम कुछ कर ही नहीं रहे। जो मैंने बोला था उसकी मीनिंग को समझ, मैंने वो फाउंडेशन की तरफ से बोला था कि जो काम कोई आमदार या खासदार जो आपको वादा नहीं करेगा, वो वादा ये था कि मेरी बहनों को या कोई भी महिला को दिंडोसी और जोगेश्वरी विधानसभा में अगर कोई लीगल केस में कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं उसके लिए फ्री में लड़ूंगा।
जो मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा वो मैंने बोल दिया। मेरे कम से कम 5,000 कार्यकर्ता हैं। अच्छा। अगर मैं कहीं कोई काम कर रहा हूँ, कोई बैनर लगा देगा, उसमें आप मेरा नाम ले लेंगे या मुझे उछालेंगे। वो मेरी बहन है, मैंने उनको हर प्रोग्राम में बुलाया है, मैंने उनको हर प्रोग्राम का इन्विटेशन दिया है। वो मेरे वार्ड की नगर सेविका है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैं उनसे राखी भी बनवाने के लिए बुलाया था, और राखी बनवाने की इच्छा भी है। मेरी ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है, और मुझे कोई लाइन छोटी या बड़ी नहीं करनी है, मुझे बस उस अंधेरे में उजाला करना है, बस और कुछ नहीं। यहाँ पर मैं MLA हूँ, मेरा फंड भी मैं यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ। आगे रही बात दक्ष फाउंडेशन की, दक्ष फाउंडेशन संस्था बहुत अच्छा काम कर रही। जो मैं देख रहा हूँ, मैं दूसरे कार्यक्रम में आया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लेकर, जो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, उस नारे को लेकर चल रहे हैं। और छोटे छोटे हमारे भाई बहन छोटे बच्चे हैं, उनको कापी किताब ये सब देने का काम करते हैं। क्योंकि इस संस्था के जो अध्यक्ष हैं सुनील कुमार जी, वो खुद एक गरीबी से पढ़े लिखे पले हैं, तो उनको एहसास है गरीबी का, उस एहसास को वो लोगों में अपना बांटना चाहते हैं। ईश्वर इसी प्रकार उनकी आर्थिक व्यवस्था और बढ़ाए और ऐसे गरीबों की मदद करते हैं। सर, बच्चे इतने ज़्यादा हैं, ग्राउंड कम पड़ रहा है, क्या कहना चाहते हैं आज काफ़ी लोग देख रहे हैं? बढ़िया है, अच्छी बात है, ग्राउंड कम पड़ रहा है, और बड़ा ग्राउंड लेंगे, इससे भी बड़ा ग्राउंड लेंगे। उनसे हम कहेंगे, निवेदन करेंगे कि इससे बड़ा ग्राउंड लेवे, और इसी प्रकार सभी हमारी छोटी छोटी बच्चियों को जो बहनें हैं उनको इस प्रकार से मदद करने का। जिस प्रकार युवाओं के प्रति आपने कहा है कहीं ना कहीं, आप युवा के प्रति किस तरह का सोच सोचना चाह रहे हैं, और सर क्या आपको लगता है कि युवा किस? मेरी सोच से युवा सोच नहीं लेता है, युवा की अपनी एक सोच है, और युवा अपने सोच के साथ ही आगे बढ़ता है। आप क्या प्रश्न पूछा? सुनील जी का फाउंडेशन बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। व्यक्तिगत मैं क्या कहूँ, फाउंडेशन मैं देख रहा हूँ, मैं दूसरे कार्यक्रम में आया हूँ, और मैंने इसीलिए उनसे कहा कि इस प्रकार की अगर आपका फाउंडेशन सेवा करता रहेगा, तो सरकार की तरफ से जो मदद फाउंडेशन को लगेगी, निश्चित तौर से हम सभी लोग करेंगे।